सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में दो महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं, तो आप करा रहे हैं ऐसे है गोदी मीडिया जिस तरह से पिछले कुछ सालों से ये बात सामने आ रही है कि मीडिया को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, जिस तरह से विपक्ष के सवाल करता था और उसको उठाया जाता था मीडिया के जरिए, और आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम मीडिया माना जाता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, जरा सा भी अगर महंगाई हो जाती थी, कोई चीज किसी चीज के रेट बढ़ जाते थे। एक छोटी सी मिसाल, जब दिल्ली में सरकार थी बीजेपी की, सुषमा स्वराज सीएम थी और प्याज के रेट 50 रुपए पहुंच गए थे, तो आपको याद होगा किस तरह से मीडिया में उसको उछाला गया और उसके बाद सरकार बीजेपी की गिर गई थी। इसी तरह आपने बहुत सारे दृश्य देखे होंगे कि किस तरह से बीजेपी के लोग सदन के अंदर प्याज और टमाटर की मालाएं बना करके, सब्जियों की मालाएं बना करके पहुंचे थे। सिलेंडर के ऊपर अगर जरा सा रेट बढ़ जाता था तो किस तरह से हंगामा होता था और मीडिया उसको उछालती थी। अगर सब्जी के रेट बढ़ जाते थे तो आप देखते थे कि मंडियों के अंदर वो भी वैन लगा दी जाती थी और रेट्स के ऊपर बात होती थी आम जनता से, व्यापारियों से, और क्यों बढ़ रहा है, किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या किसानों को तक बढ़े हुए पैसे पहुंच रहे हैं, इस पर बहसें होती थी। लेकिन पिछले 6 साल से इस तरह की बहसें, इस तरह की डिबेट्स, इस तरह के लाइव पूरी तरह से मीडिया इंडस्ट्री से गायब हैं। और यही वजह है कि लगातार मीडिया से लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। दो वीडियो, छोटे छोटे वीडियो हैं, अक्सर जब प्रोटेस्ट होता है, कई बार हमने भी आपको इस तरह के वीडियो दिखाने की कोशिश की है कि लोग गोदी मीडिया का माइक देख करके उनको खदेड़ते हैं, उनको जलील किया जाता है और गो बैक के नारे लगते हैं और मीडिया से बात करने से इनकार किया जाता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात मीडिया के लिए और क्या हो सकती है कि वो मीडिया जब हाथ में माइक देखा करते थे आज से 10 साल पहले, तो लोग इज्जत की निगाह से देखा करते थे, लोग बुलाते थे, बात करते थे, आपसे आपके साथ बैठना काबिल फख्र समझते थे, आपसे ताल्लुकात बनाना काबिल फख्र समझते थे। छोटे इलाके में अगर कोई जर्नलिस्ट होता था तो जहां भी जाता था, चाहे वो एसपी ऑफिस जाए, एसएसपी ऑफिस जाए, डीएम के यहाँ जाए, हर जगह उसको इज्जत मिलती थी, बिठाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी। लेकिन आज माइक अगर हाथ में देखा जाता है तो हकारत की निगाह से देखा जाता है, लोग धिक्कारते हैं और ये कहते हैं कि ये आ गया दलाल। दलाल के तौर पर अब पहचान मीडिया इंडस्ट्री की हो रही है, रिपोर्टर की हो रही है, जर्नलिस्ट की हो रही है। देखिए किस तरह से आज तक का माइक हाथ में देख करके किसान उनको खदेड़ रहे हैं और किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं, तो आप करा रहे हैं ऐसे है गोदी मीडिया मुर्दाबाद। नहीं, हम नहीं बात करेंगे आज तक से, नहीं करेंगे बात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों, पंजाब वासियों, आ देखो इंडिया न्यूज, यह न्यूज इंडिया चलता पाया वा। पिछले 60 दिनों तो आप प्रोटेस्ट करते पे हैं, यह दलाल मीडिया अज तक उत्थे एक बार भी पंजाब च नहीं आया। यह दलाल मीडिया एक बार कली कली मोदी की दलाली करते पे है। इस टाइम इन्होंने यही देखना कि वीक पॉइंट दिल के वा। यह दलाल मीडिया, गोदी मीडिया कली कली मोदी की गल करता वा। यह न्यूज इंडिया न्यूज वाले, जी न्यूज, इंडिया न्यूज अज तक वाले, इन्होंने कोई भी अज तक टीवी देख लो, कोई भी टीवी किसानी अंदोलन की गल नहीं की, किसानों बारे कोई गल नहीं की। यह हम लोग रहा फिरता गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, पड़वा मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलाल। हम अखा मार रहे जिन्हें मर्जी दसो, अज तक गल नहीं की पहला।
साथ ही जनता पटासी आ जाए पंजाब एक तो बड़ी भी तेरा जनरल आया इतने बोलो माहौल नहीं खाम खाम कर रहे पहला साथ लोग बताओ नहीं साठ दिन का पटासी चल रहा अच तक आए क्यों नहीं भाजी इन्नी दलालगिरी ना करो इन्नी दलाल मीडिया जा रहा मीडिया चौथा पिलर है मीडिया सब जे मीडिया सही खबर देता अभी इतने बने नहीं आ गए बड़ा सोशल मीडिया चल रहा पाया सारे है सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।